प्रेम और काम ये दोनों में बहुत हल्की सी लकीर है, और उस लकीर का पता अपन को चले कैसे? प्रेम जागा है अंदर के कामना जागी, इसका प्रमाण क्या? प्रेम जागा है कि काम जागा है, पता चलना बड़ा दुष्कर है। बोले क्यों? क्योंकि शाम और काम दोनों पिता पुत्र हैं। शाम और काम दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों शाम हैं, दिखने में बिल्कुल समान, और उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही प्रेम और काम, इनके अंदर हरेक व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। कई बार एक से कपड़े होने के कारण जगा रहे हैं अपन काम को और मान रहे हैं कि ये प्रेम है। तो प्रेम और काम ये दोनों का भेद जानो कैसे? और इस सूत्र के अंदर नारद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो प्रेम की है, और सबसे पहले शुद्ध प्रेम को जानना हो तो पहले ये जानना पड़ेगा कि कहीं काम को प्रेम मान के कंफ्यूज मत हो जाना। प्रेम और काम ये दोनों के भेद को जान लेना, और दोनों का भेद क्या है? तो कहा सान कामयामाना निरोध रूपत्वात्, और कहा कि काम और प्रेम दोनों का सूक्ष्म भेद अपन देखें तो दोनों में से भेद क्या है? तो यहां वर्णन करते हुए कहा कि प्रेम का एक ही लक्षण है, प्रेम का एक स्वभाव है। बोले क्या? कि वह भक्ति कामयत इति काम्यमाना, कहते हैं ना वो भक्ति है ना, वो कामनामय नहीं है। भक्ति उसको कहते हैं कि जिसमें खुद के लिए कुछ भी पाने की, खुद को सुख मिले या खुद की इच्छा पूरी हो, ऐसी कोई भी कामना जिसमें नहीं है उसको परम प्रेम यानी भक्ति कहते हैं। और जो प्रेम के नाम से अपन कर रहे हैं, प्रेम के नाम से अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें सूक्ष्म रूप से खुद को सुख मिले ये कामना है, तब वो काम हो जाता है।